नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है वो पेपर कौन लेगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो पेपर लेने वाली है, और एनटीए ने ही पहले ग्रुप सी का पेपर लिया था। तो ग्रुप सी का पेपर को देखते हुए उसको एनालाइज करके, और जो मतलब जेई लेवल के होते हैं पेपर लेती है, जो हाई लेवल के हैं नीट वगैरह के पेपर एनटीए लेती है, या कोई अलग अलग प्रकार के जैसे यूजीसी नेट का पेपर एनटीए लेती है, तो किस प्रकार से वहाँ से एनालाइज करके भी पेपर कहाँ से आते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है हर पेपर को, क्योंकि आपने तो एक एनटीए का पेपर ही फेस किया है, लेकिन पेपर तो और बहुत लेती है ना एनटीए एजेंसी जो है, बहुत पेपर लेती है, अलग अलग स्टेट का लेती है, तो उनको एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा, अगर आप इस बात पर ध्यान देते हो तो। देखिए किस प्रकार से, अगर आप ग्रुप डी के लिए अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके इसी चैनल पर डेली डेढ़ घंटे, एक डेढ़ घंटे दो घंटे तक क्लासें होती है, बायोलॉजी आपको करवाई जा रही है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया सपोर्ट रहा आपका, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं बायोलॉजी के, एक क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, और वो एनटीए पे आधारित रहेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये सर्वे करके ही आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। याद नहीं होता या तीन क्लास, मतलब ये तो तीन क्लास नंबर तीन चार पांच क्लासें डाल चुके हैं, वो देखना एक बार कंटेंट मैच करना भी किस प्रकार का है। अगर आपको बायोलॉजी की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक है साइंस ग्रुप बलवंत के नाम से, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको दो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, बहुत ही मस्त तरीके से बनाई है डायग्राम के साथ, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, तो आप वहाँ पर जाके वो ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेरा इतना तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने HSSC के बहुत से क्लियर किए हैं, और हाल फिलहाल मैं रेलवे के अंदर सिलेक्टेड हूँ, तो इसका मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब करने पर पेपर दिए हैं मैंने, तो उन पर आधारित आपको एक एक चीज़ सर्वे करके बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक। अब अलग अलग प्रकार के बंदे हैं, वो तो मतलब कमेंट करके अलग, उनको तो बातें करनी है वो तो कहेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुनिए। एनटीए जो है वो पेपर लेती है, ठीक है, उस पेपर का लेवल कैसा रहता है, मैंने पांच सात पेपर देखे, उनका लेवल देखा, तो उनके पेपर के अंदर, क्योंकि हमारे HSSC के अंदर जो एक ही पेपर हुआ है, आपने अलग अलग लेवल कैसे देख लिए, क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो एनटीए आपका ही पेपर थोड़ी लेती है, स्टेट का और स्टेट के पेपर भी लेती है, और अलग अलग पेपर जो है ना, ठीक है, UGC नेट का भी लेती है, आपके नीट का भी लेती है, तो अलग अलग प्रकार के JDEE का, तो ये बहुत से पेपर हैं जो पहले हाई लेवल के पेपर होते थे वो NTA बनाती थी, ठीक है। अब तो ये क्या है, स्टेट लेवल के पेपरों के अंदर या आ गई है एजेंसी, तो आपका पेपर बनाएगी तो वो कहाँ से बनाएगी, उनके पास क्या डाटा होता है, तो इनके पास काम बहुत है, ऐसा नहीं है फ्री है, तो मोस्ट ऑफ क्या रहते हैं, जहाँ तक देखा गया भी 70 से अगर 80% प्लस क्वेश्चन देखे गए भी सेम के सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए हैं, 70 से 80% एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से पढ़ने हैं, ध्यान से सुनोगे तब पता चलेगा, एक दो मिनट दे दिया करो कोई चीज़ को। 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, देखो भी लगभग 50% क्वेश्चन आपके, आपने पेपर देखा भी होगा पिछला, 50% क्वेश्चन इजी रहते हैं, ठीक है ना, 50% क्वेश्चन इजी रहते हैं, 20% क्वेश्चन आपके लगभग मॉडरेट से रहते हैं, 20% के अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, मॉडरेट रहते हैं, ठीक है ना, और 25 से 30 क्वेश्चन आपके जो देखे जाते हैं ना एजेंसी के, थोड़े टफ रहते हैं, क्योंकि मेरिट को भी सही सेटल कर रहा होता है, 25 से 30% क्वेश्चन जो अप्रोक्सीमेट क्या रहते हैं, थोड़े टफ लेवल के रहते हैं, इतने टफ नहीं होते भी आपको आते नहीं हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए कहाँ से जाते हैं। पहले बात तो पेपर जो लेती है ना NCERT, NTA जो पेपर लेती है उसका सिलेबस के अनुसार जो पेपर लेती है, और उसका सिलेबस जहाँ तक दिया होता है उससे बाहर जाने का वो दायरा पार नहीं करती है, ठीक है ना, दायरा पार नहीं करती है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा है भी 10th स्टैंडर्ड का आपका पेपर आएगा, तो यानी 10th तक NCERT के अंदर जो डाटा है वो आप पढ़ने की कोशिश करें। बुक नहीं पढ़ सकते NCERT की उठा के, आप बुक्स आपको मैं बताई है, वीडियो डाली हुई है उसके अंदर बताया मैंने भी किस प्रकार की बुक है, कौन कौन सी बुक पढ़ें जिसके अंदर आपको NCERT का डाटा मिलता है रियली, ठीक है। NCERT नाम लिखने से NCERT थोड़ी हो जाता है। अब देखो यहाँ से हो गया, अब पेपर के अंदर सबसे पहले हमें एग्ज़ाम
जो है उसकी तैयारी करने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें थ्योरी करनी पड़ती है। अगर आपने थ्योरी कर ली है, ठीक है, और थ्योरी भी किससे रिलेटेड करनी पड़ती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। मतलब ऐसे थोड़ी है ना, ऐसा घुसा दिया डाटा, कंटेंट ऐसा घुसा दिया जिसका कोई लेवल नहीं बनता, जिसके आसपास से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया, तो ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए हमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो किस कौन से पढ़ने हैं, आप सोच रहे हो भी अच्छा सस्ते के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से बात बन जाएगी, और वो ही पढ़ाते हैं, आपको देखा भी होगा, लेकिन वो पढ़ने से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि एनटीए जो क्वेश्चन उठाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो या तो एसएससी के होते हैं, अच्छा एसएससी के अंदर आपके सीएचएसएल के अंदर होते हैं, ठीक है ना, एमटीएस के क्वेश्चन भी उठाती है, सीजीएल के क्वेश्चन भी उठाती है, तो ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं, रेलवे के क्वेश्चन, ठीक है ना, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे, एनटीपीसी हो गया आपका, ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन। उसके बाद डीएमआरसी, डीआरडीओ, यूपी के अंदर एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर से, या मतलब सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम है उनसे आपको देखने को और सीखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। यानी ऐसी बुक लेके आइए जिसके अंदर एसएससी, रेलवे, ठीक है, जिसमें एनटीपीसी भी हो, एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन भी हो, यानी सारे के सारे। जैसे आप साइंस की बुक उठाते हो तो इसके अंदर आपके डीआरडीओ, डीएमआरसी, ठीक है, इसके अंदर एसएससी के अंदर जो साइंस पूछी जाती है, तो वो सारी की सारी साइंस। ऐसी बुक लेके आइए जो सेंट्रल लेवल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो, मतलब हरियाणा जी के तो प्रीवियस ईयर यहाँ से आ ही जाएगी, क्योंकि कितने पेपर ले लिए तो उनमें से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। मैं अदर की बात कर रहा हूँ, मैथ इतना हाई नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, रीजनिंग भी लो लेवल की रहती है, लेकिन जीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, और जीके के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। साइंस के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के, तो भी आपका बहुत बढ़िया स्कोर हो सकता है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश जो होगी, हिंदी इंग्लिश के लिए आप एसएससी को फॉलो कर लीजिए, केडी कैंपस की बुक आती है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं सारे के सारे वहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए के पेपर के आधार पे, ठीक है, और वो भी सेंट्रल लेवल के। तो सेंट्रल लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेके पढ़ो, उनसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, आसपास के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी। अगर आप ऐसे ऐसे चक्रों में घूमते रहे, ठीक है, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, आप कितना ही पढ़ लो, क्योंकि जीके एक सागर है और उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप कितना भी पढ़ लो, आप हमेशा यही सोचोगे मेरे को ये नहीं आता, ठीक है। तो जीके है, चाहे साइंस है, चाहे आपका मैथ है, चाहे आपकी रीजनिंग है, इसको इतना पढ़ लो, चाहे कितना पढ़ लो, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन आपको पढ़ना है वो एग्ज़ाम से रिलेवेंट पढ़ना है, तो एग्ज़ाम से रिलेवेंट सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए भी आज तक एजेंसी ने कहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा पेपर लेता है, कौन पेपर लेता है, तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लास्ट, तो उस लास्ट एक पीक पॉइंट को लेके चलिए भी इससे ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जिस प्रकार मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ भी इस लेवल का हाईएस्ट क्वेश्चन इस लेवल तक आया हुआ है, इस लेवल से ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो उस लेवल तक आपको करवाया जाए बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा दो भाई, बात बन जाएगी, ठीक है ना। मैथ को ज़्यादा इतना मोटा मैथ लेके नहीं आना है, आप आरएस अग्रवाल का मैथ भी पढ़ लेते हो, अर्थमेटिक को ढंग से कर लेते हो तो भी बात बन जाएगी, ठीक है ना, तो भी बात बन जाएगी, बाकी आपकी मर्जी है, समझे आप बात। यानी थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा दो, नए नए क्वेश्चन तलाशने की कोशिश न करो एक बार तो, ठीक है, वो आपको आने लग जाए, वो एकदम आपकी मतलब जिसे आप कहते हैं फिंगर पे हो जाए, उसके बाद आप नया ट्राई कर सकते हो, और आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी, आप नया ट्राई करो एक बार, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो, साथ साथ में आप जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है उसको आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा, इतना कंटेंट पढ़ा है, आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। बाकी जैसा आप सोचते हो भी, आप अपने आप को मतलब ये मानते हो भी नहीं मेरे को ज़्यादा जानकारी है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। हम तो जो चीज़ आपको बताएंगे रियल में होगी, ऑथेंटिक होगी, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, और इस तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आने वाली वीडियो जो हो आपके हित में हो और आपके लिए बनाई जाए, ठीक है। और साइंस के लिए आप कर ही सकते हो, 15 नंबर की बिल्कुल आपको साइंस करवाई जाएगी, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। आइए पढ़िए, मज़ा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान भला करे और जल्द से जल्द आपका प्यारा सा एक सिलेक्शन हो जाए ताकि आप अपने फ्यूचर को ढंग से जी सको। धन्यवाद। जय हिंद।